यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, साथ ही यूसी न्यूज और यूसी ब्राउजर में हमें फॉलो करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पांच प्रमुख देव में से सूर्य देव को प्रमुख स्थान दिया गया है, क्योंकि सूर्य देव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो धरती पर साक्षात दिखाई देते हैं तथा जीवन के लिए ये अत्यंत जरूरी है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत स्थिति में हो जाए तो व्यक्ति को राजपद तक की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को हर जगह इज्जत मिलती है, समाज में उस व्यक्ति का मान सम्मान हर जगह होता है। सरकारी नौकरी के लिए भी आपके कुंडली में सूर्य का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। सूर्य देव को ग्रहों का राजा बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव की आराधना से व्यक्ति के सभी अशुभ ग्रहों का फल समाप्त हो जाता है तथा व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसके सभी ग्रह उसके अनुकूल हो जाते हैं। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में सबसे उत्तम उपाय सूर्य देव को अर्घ देना बताया गया है, खासकर रविवार के दिन, क्योंकि यह सूर्य देव को समर्पित होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत सूर्य देव को जल चढ़ाकर करता है, उससे कभी भी अपने जिंदगी में हार का मुख नहीं देखना पड़ता। सूर्य देव को अर्घ देने की महिमा एवं लाभ शास्त्रों में भी बताए गए हैं। पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु ने धरती पर राम अवतार लिया था तो वे भी रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाया करते थे। सूर्य देव के आशीर्वाद स्वरूप ही रावण के लाख कोशिशों के बावजूद भी वह भगवान राम का बाल भी बाका नहीं कर पाया था। सूर्य देव को जल चढ़ाने के शास्त्रों में अनेक लाभ बताए गए हैं और उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। सूर्य देव की आराधना से नौकरी में आई अड़चने दूर होती है, इसके साथ ही नौकरी में पदोन्नति के अवसर भी प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति हर रविवार सूर्य देव की आराधना करता है, उन्हें जल अर्पित करता है, उसके चेहरे पर सदैव एक तेज रहता है। ऐसे व्यक्ति में दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता विकसित हो जाती है। यमराज सूर्य देव के पुत्र है, ऐसा कहा जाता है। जो व्यक्ति सूर्य को प्रसन्न कर लेता है, समझो उसने यमदेव को भी प्रसन्न कर लिया। आप में से कई लोग रोज सुबह सूर्य देव को जरूर जल चढ़ाते होंगे, लेकिन पूर्ण विधि और सही नियमों को आप यदि ना करें तो सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे तो सही, पर उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। आज हम आपको सूर्य देव को विधिवत जल चढ़ाने का सही तरीका बताएंगे, साथ ही साथ हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो बहुत ही कम लोगों को पता है। और सूर्य देव को खासकर जल चढ़ाते समय यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो स्वयं आप मृत्यु को अपने वश में कर लेते हैं। सूर्य को चढ़ाने वाले जल में यदि आप इस खास चीज को मिला लेते हैं तो सूर्य पुत्र यमराज आपसे बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी दुर्घटना या बीमारी से होने वाली आकस्मिक मृत्यु आपके आसपास भी नहीं भटकती। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में। और सबसे पहले हम जान लेते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाने की सही विधि। सबसे पहले सूर्य उदय होने के पूर्व उठकर आपको स्नान इत्यादि कार्य कर लेने हैं। इसके बाद जैसे ही सूर्य देव उदय होने लगे, उनके आगे आप एक दीपक प्रज्वलित कर लें। दीप आप सरसों के तेल का जला सकते हैं। इस दीप को प्रज्वलित करते समय आप अपने दिल की कोई भी मनोकामना सूर्य देव को बोल सकते हैं। इसके बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल डालकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाए और जल चढ़ाते समय आपको इस मंत्र को कम से कम 3 बार जपना है। दोस्तों, मंत्र है ओम सूर्याय नमः। जब आप जल चढ़ा ले उसके बाद जमीन पर माथा टेक कर वहीं पे सूर्य देव का आशीर्वाद आप ले। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे वह खास चीज जो सूर्य देव को जल चढ़ाने वाले लोटे पर आपको मिलाना है। दोस्तों, इस उपाय से व्यक्ति की आयु लंबी होती है और उसे कोई भी बीमारी नहीं सताती। इसके साथ ही सूर्य देव उसे दुर्घटना एवं अकाल मृत्यु से संबंधित सभी परेशानियों से भी बचाते हैं। उसे हर कार्यों में सफलता ही हासिल होती है। आप जिस जल को सूर्य देव को चढ़ाने वाले हैं उसके अंदर यमुना नदी की 2-3 बूंदे आपको डाल लेनी है। जिन लोगों को जानकारी नहीं है उन्हें हम बता दें, यमुना सूर्य की पुत्री है और यमराज की बहन है। अब आप जलपात्र में यमुना नदी के जल को मिलाकर सूर्य देव को उसे अर्पित करें। दोस्तों, इससे यमराज भी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं तथा व्यक्ति को दीर्घ आयु का वरदान मिलता है। इसलिए आप जब भी यमुना नदी जाए वहां बोतल में आप यमुना नदी का जल अवश्य घर ले आए। इसके बाद इस जल की कुछ बूंदें हर बार जब भी आप सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे तो उस समय लोटे में
यानी कि तांबे के लोटे पर आपको 2-3 बूंदें यमुना नदी की डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करना है। इस उपाय को करने से घर पर किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं रहती, व्यक्ति को दुर्घटना तथा आकस्मिक मौत का खतरा नहीं रहता। दोस्तों, इस जानकारी को आप अपने खास व्यक्ति को अवश्य शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो पाए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।